सीधा सीधा चार लाइनें आपको सुनाता हूं। जी दादा स्वागत है। हालांकि मैं एक चीज और स्वीकार करूं इस माइक से कि आज इस पूरी महफिल को मुमताज जी लूट चुकी हैं। उन्होंने जितना अच्छा सुनाया, जितना मन से आप लोगों ने उनको सुना, और दिनेश जी अभी हैं वो और बड़े लुटेरे हैं, वो ऐसा बता रहे हैं मुझे कि मैं हूं अभी तो मंचों के लुटेरे हैं वो। मैं चार लाइन आपको सुनाता हूं। स्वागत है। और देखिए आदरणीय मफतलाल जी प्रणाम करता हूं आपको। विश्वाण आपका ये चैनल है जिस पर ये सारे कवियों को आप लोग बार बार देखेंगे, और मफतलाल जी खूब कवि सम्मेलन करवाते हैं, रिकॉर्डिंग करके पूरी दुनिया में उसको पहुंचवाते हैं। आपका बहुत बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साहित्य के बड़े प्रेमी हैं और साल में कम से कम 15-20 कवि सम्मेलन तो ये करवा ही लेते हैं। 150 करवाते हो क्या? अच्छा, हर दिन कवि सम्मेलन। चलिए कोई बात नहीं, अब हो सकता है इनकी पत्नी भी कवित्री हो बातचीत में कविता लिख रहे तो कोई बात ही नहीं है। आदरणीय बाबा जी को प्रणाम करता हूँ। जब मुमताज सुना रही थी तो बनवारी लाल जी ऐसे उछल उछल करके दांत दे रहे थे। भैया वाह। नहीं, वो ऐसे ही हमारे एक दादाजी हैं, हमने पूछा दादाजी क्या चाहते हो, अब तो 90 साल के हो गए। बोले बेटा शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा 90 साल में किससे करोगे? बोले तेरी दादी से कर लूँगा। मैंने कहा क्यों, ऐसी क्या आ गई आफत जो कि 90 साल में दादी से शादी करना चाहते हो? बोले आफत नहीं है, वो जब पंडित जी मंडप पे कहेंगे लड़के को बुलाइए तो वो जो फील आएगा लड़का होने का, तो आज जो बनवारी लाल जी को फील आ रहा है लड़का होने का, मैं उनके इस फीलिंग को प्रणाम करता हूँ। भैया बस थोड़ी देर बनवारी लाल जी मेरे बालों को देख करके भ्रमित मत हो जाना, कहीं मैं इधर मुंह करूं और आप मुझे इधर से मुमताज समझ लें और फिर आपकी भावनाएं जाग जाए, मैं कहां इस नवाबों के शहर में अपने आप को बचाता फिरूंगा। मैं चार लाइनें सुनाता हूं, आनंद लीजिए। स्वागत है। चार लाइनों का बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। ये आनंद, ये उत्सव, ये हर्ष सिर्फ इसलिए है क्योंकि भाई इसका इको कहाँ पे है? इको थोड़ा कम कर दो, ये इको बढ़ा दिया, ऐसा लग रहा है मैं और मेरे पिताजी दोनों एक साथ बोल रहे हैं। इसका इको कंट्रोल रखो। चार लाइन सुनिएगा। आगरा में बहुत बहुत आया हूँ, अब तक ठीक नहीं हुआ, लेकिन अनुज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस मंच से, क्योंकि आगरा में जितने अच्छे लोग तो मुझे मिले ही, लेकिन एक बहुत प्यारा दोस्त, बहुत ही अच्छा इंसान, और वो कैंसर के डॉक्टर हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं खैर चार लाइनें आपको सुनाता हूँ। आगरा अपने आप में अद्भुत है। पिछले दिनों आपको याद होगा ट्रंप आए थे भारत। जी, लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी। एक और मैं चीज नहीं कहूंगा तो शायद मैं चूक जाऊंगा, कवि सम्मेलन में सबसे जरूरी और सबसे आवश्यक चीज होती है माइक। हाँ ईशान, आज ये माइक तुम्हारा इतना अच्छा है, इतना अच्छा माइक है कि अगर हमारे पास ये ऑप्शन रहे मफतलाल जी, अगर ये ऑप्शन रहे कि हम इस माइक को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में घूम सके, तो इससे बेहतर माइक हमें पूरे हिंदुस्तान में आज तक कहीं नहीं मिला। मैं माफी चाहूंगा शम्मू सर, आदरणीय शम्मू मुमताज भी कह रही है इस बात को। आदरणीय शम्मू जी, इस पूरे माइक के जो करता रहता है, इस पूरे प्रोग्राम के जो है वो आदरणीय सूरज तिवारी जी हैं, तो उनके लिए तालियां हो एक बार जोरदार। ये सारी व्यवस्थाओं को आप जो देख रहे हैं, तिवारी जी से याद आए, यहीं से सुनो। ट्रंप आए थे भारत, लोगों ने कहा भैया फोटो खींच लो, चलो बैठ जाओ। तिवारी जी, वो भाई साहब तिवारी जी, आपको ही सुनाता हूँ। ट्रंप आए थे भारत, लोगों ने तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह ट्रंप को मैंने दी, आपको लगे कि एक हास्य कवि ने ट्रंप को बिल्कुल सही सही सलाह दे दी, तो आप लोगों के आनंद को कई गुना करने की कोशिश करता हूँ। दिनेश रघुवंशी जी से आशीर्वाद की कामना करते हुए चार लाइन सुनिएगा। ट्रंप आए भारत, लोगों ने सलाह दी, मैंने क्या सलाह दी? कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे। लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे। जनता तुम्हें यहाँ की ही भिखारी न कर दे। जनता तुम्हें यहाँ की ही भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। योगी जी तुम्हें
कितने खुश हो गए तिवारी जी। आप जानते ना तिवारी जी, तिवारी तिवारी कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा साढ़ू भाई। साढ़ू भाई जानते हो ना कौन होते? एक ही दुकान से ठगे गए दो ग्राहक साढ़ू भाई कहलाते हैं। अच्छा सर, ट्रंप माना नहीं, वो फिर भी आ गया। वो आया और आकर के उसने कहा जी आगरा घूमूंगा। सर आप सबको याद होगा ट्रंप की आगरा यात्रा थी, 24 घंटे की यात्रा उसने 48 घंटे तक पूरी की, और उसके बावजूद वो इतना हैरान परेशान होकर के मोदी जी के पास पहुंचा। मोदी जी ने कहा क्या बात है, तुम्हें ताजमहल अच्छा नहीं लगा, आगरा पसंद नहीं आया, क्या दिक्कत है? बोला नहीं मोदी जी, सब कुछ बहुत अच्छा है, बस ये समझ में नहीं आया असली पंछी पेठे की दुकान कौन सी है। है ना, ये तो आगरा वालों को भी नहीं पता। चार लाइन सुनिएगा, सारे लोग मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे हैं तो ताली कौन बजाएगा। लेकिन आजकल ना रील्स का बड़ा जमाना है, जिसे देखो वो रील्स बनाने में लगा हुआ है। वो छोटी छोटी वीडियो होती है ना 15 सेकंड 30 सेकंड की, मैंने चार लाइनें लिखी भाई साहब। स्वागत स्वागत। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए। हाँ। लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए। कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया। हाँ। दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ। हाँ। के साथ ले लिए। दुल्हन ने फेर पंडित जी के साथ ले लिए। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वाह, देर में समझ आए तो देर में बजा लीजिए। नहीं समझ तो अगली बात आएगी। पिछले दिनों आपको याद होगा चीते भारत आए थे, तो मैंने चीते से भी पूछा, भाई जो डायरेक्ट मोदी से पूछ सकता हूँ उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा भाई तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लग रहा? चीते बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। अद्भुत। और मैं सर सच बता रहा हूँ, एक आदमी मिला बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। तो अपना तो मामला ही अद्भुत है। चार लाइन सुनिएगा, आजकल प्रेम का बुखार सब पे चढ़ा हुआ है, जिसे देखो कोई वैलेंटाइन डे, कोई बेलेंटाइन डे, सब कुछ ना कुछ मनाने में लगा हुआ है। वैलेंटाइन डे मुझे तो समझ में नहीं आता। नहीं नहीं देखो, जिसकी नहीं होती उसे क्यों समझ में आए, तो उसे समझ में नहीं आता। लेकिन चार लाइन सुनिएगा, उत्तर प्रदेश में वैलेंटाइन डे नहीं होना चाहिए, कम से तब तक तो नहीं होना चाहिए जब तक योगी जी की सरकार है। क्योंकि योगी जी की सरकार जब बनी थी तो पहला काम किया था एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो। आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे गए। योगी जी से पहले स्थिति ये थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 3-4 घंटे बाद ही पूछते थे बेटा कहाँ रह गई, कब लौटेगी। अब हालत यह है कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं। उत्तर प्रदेश एंटी रोमियो योगी जी और चार लाइनें। स्वागत है। कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते। जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते। कलियों के पास भवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जा
जवानी लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। और जिसके लिए ये कह रहे थे बुढ़ापे में आदरणीय बनवारी लाल जी भी बनाना। ना ना, इनका तो बड़ा दूर का बुढ़ापा है। बताओ अब मैं क्या कहूँ, मैं कहना नहीं चाहता, चार लाइन सुनना। नहीं नहीं कोई नहीं, ऐसा तो बुढ़ापा सबके ऊपर आएगा बनवारी लाल जी। और हमें तो पता नहीं कि हम इतने बूढ़े होकर के हम जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। आप तो जी भी रहे हैं, आँखों से प्रेम रस को पी भी रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप जैसे 150 लोग अगर हो देश में तो ये देश बहुत सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल ठीक, चार लाइन सुनिएगा। आज इनका मैट्रिमोनियल पे डाल ही दो साइट बना, देखी जाएगी जो कुछ होगा। हाँ, जायदाद के दो हिस्से और सही।